तो देख सकते हैं चिंटू राजा और अमित आसिक। दोस्तों आज चिंटू राजा जी का जन्मदिन थे और जन्मदिन के शुभ अवसर पर तमाम लोग विश कर रहे थे और कहीं न कहीं लगातार भैया को विश करते आ रहे हैं। क्या बोलिएगा भैया, जो कि 12 बजे से लगातार जग जग के फैन विश कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि बस ऐसे अपने भाई के ऊपर आशीर्वाद बनाए रखे। कभी सोचे थे कि इतना लोग विश करेंगे चिंटू राजा को? रात रात भर से पहले, टाइम से पहले लोग विश कर रहे हैं। बहुत सारा मैसेज आ रहे थे, सभी को धन्यवाद दिल से। अच्छा बोलिएगा भैया, दो दो स्टार के साथ आज बर्थडे मनाए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा कि हाँ। और कहाँ कहाँ धमाल होने वाले? धमाल कल अच्छे से बर्थडे मनाया जाएगा कि बर्थडे में क्या कुछ ऑफर रहेंगे, क्या कुछ गिफ्ट रहेंगे? सब गिफ्टे है, इतना आदमी है तो आदमी सब गिफ्टे ना कि हाँ। प्यार सबका गिफ्टे है क्या, इतना आदमी है सबके। इतना गाना लाए हैं इधर यादव जी वाला, जो कि काफी धमाल मच रहे हैं। वो गाना है कि छौड़ी कि तोरा नामे लिख देव हम मकान, छोड़ी बन जो ना जादव जी के जान, कि गैमी जिनगी भर हमर गुण गान, आ बन जीतो एरिया में पहचान, कि तोरा नामे लिख देव हम मकान, छोड़ी बन जो ना जादव जी के जान। चलिए बहुत बढ़िया लगा, और आगे कहाँ कहाँ केक कटेंगे वो तो देखा जाएगा कल का पार्टी कहाँ होगा बाकी बात। तो दोस्तों राइटर चिंटू राजा के जो कि देख सकते हैं केक कट रहे हैं और बर्थडे मनाए गए, और जो कि दो दो स्टार के साथ केक कट रहे हैं, और मैं कैमरा के माध्यम से दिखा दूं। और चिंटू राजा हैं और अमित आसिक हैं और आशीष यादव हैं, तमाम आशीष यादव के पूरे टीम हमारे कैमरे सामने दिख रहा होगा, और केक कट रहे हैं जो कि राइटर नंदन यादव हैं, और जो कि काफ़ी संख्या में है, और जो कि कट रहे हैं मैं दिखा दूँ एक बार कैमरा के माध्यम से। और थोड़ा सा पीछे रही तब तक आएगा। तो दोस्तों ये देख सकते हैं कि जितने भी हमारे पब्लिक चाह रहे हैं वाले एक बार देखें। और गलत रहेगा तो चढ़ेबे नहीं करेंगे। देख सकते हैं राइटर चिंटू राजा के बर्थडे मना रहे, दो दो स्टार एक साथ मना रहे हैं। तो देख सकते हैं चिंटू राजा और अमित आसिक एक राइटर चिंटू राजा के अमित आसिक हैं, इधर फिर आशीष यादव हैं, तमाम उनके टीम है, नंदन यादव हैं, और जो कि राइटर बर्थडे शूटिंग के टाइम मन रहे हैं। चलिए क्वेश्चन किया जाए और मैं कैमरा के माध्यम से दिखा दूं केक लेके भाग केक लेके चल गए हैं। देखिए अमित आसिक केक लेके चल गए हैं। चलिए एक क्वेश्चन किया जाए। लाइट हो गया, सब लोग जाओ गली में पहुंचो, सिवा होल्ड करो। तो देख सकते हैं कि आप सभी को बीच चिंटू राजा के बर्थडे मन गया, अच्छा लगा के। और अभी हम लोग शूटिंग सेट पे थे, और शूटिंग सेट पे ही कि हम लोग सब कंपनी वाले का मर्जी हुआ कि केक काट लिया जाए, तो यहाँ अभी एक एक केक सब लाए थे, बहुत सारे केक। जी जी, हर अक्षर हमको लगता है नाम से ज्यादा, जितना अक्षर नाम आपके नाम में है उससे ज्यादा केक आया था। तो केक लाए थे सब कंपनी वाले, तो बोले शूटिंग पे भी काट लिया जाएगा, बाकी बात कल पार्टी होगा बर्थडे का, हम लोग का अच्छे से सेलिब्रेट किया जाएगा कल। अच्छा सोचे थे कि इस तरह से जैसे अभी नॉर्मल सेटअप पे ही केक कट गया, भैया बड़ा मजा आ रहा है। मतलब यहाँ पे केक कट गया, अभी फ्लैट पे जाएंगे वहाँ पे पार्टी है, और कहीं जाएंगे बाहर मनाने के लिए बर्थडे। हम लोग तो फिक्स जगह नहीं, लेकिन कोई मंदिर जाएंगे अच्छी जगह जहाँ पूजा पाठ कर सके हम लोग। अच्छा कितना केक अभी तक काटी, आज काट दीजिएगा बर्थडे है, कितना केक का टारगेट लेके चले? हम तो खरीदे नहीं है, पता नहीं कौन कौन खरीद के लाएगा, हम तो एक भी केक खरीदे नहीं, सब ला ले। अच्छा आप अपना बर्थडे में कितना केक खरीद के काटिएगा? हम खरीद के, हमको लगता है इतना आएगा बाहर से, उसी को काटने में टाइम निकल जाएगा, खरीदने का टाइम नहीं। बिल्कुल देख रहे थे, बस थोड़ा थोड़ा सा कट लगा रहे थे। आशीष भैया के साथ केक काटे, अमित आसिक भैया, कैसा लगा वो? अच्छा लगा, और कल फिर कटेगा केक?
कल कहाँ जाने वाले हैं केक काटने के लिए? स्पेशल कुछ गिफ्ट रहे आशीष भैया बोले हैं कुछ स्पेशल गिफ्ट बर्थडे के दिन, तो क्या कुछ गिफ्ट दे रहे हैं? अरे उनके लिए सब कुछ स्पेशल है, तो वो हमारे साथ है तो वो गिफ्ट है। तो फिर भी कुछ बोले होंगे ना आशीष भैया चिंटू राजा को क्या गिफ्ट दे रहे हैं बर्थडे? दोनों का गिफ्ट क्या ही कहना है कि गिफ्ट जो मेरा है उनका है, जो उनका है मेरा है। अभी एक गाना आया भैया काफी भवाल है, वो गाना सुना दीजिए दो लाइन। कौन सा गाना है? यादव जी कि तोरा नाम लिख देव हम कान छौड़ी बन जो ना यादव जी के जान कि छौड़ी जी नगी भर गयी गुण गान अब न जी तो एरिया में पहचान कि तोरा नाम लिख देव हम कान छोड़ी बोन जो ना जादो जी के जान। काफी बढ़िया भैया, जो लोग आपको बीस कर रहे हैं और जिनको रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं उनको इंटरव्यू के माध्यम से क्या कहना चाहिए? मतलब देखिए समय बहुत कम मिल पाता है और इतना मेंशन आ रहा है, और जो भी हमारे लिए कर रहे हैं हमें शुभकामनाएं दे रहे हैं सभी को मेरा धन्यवाद है दिल से।